नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड करती है, तो सबके बारे में जानेंगे। इससे पहले कुछ बेसिक डिस्कस कर लेते हैं जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। हम एक कंडक्टर ले लेते हैं, कोई भी कंडक्टर ले सकते हैं आप, कोई भी मेटल का, जैसे कॉपर है, अल्मोनियम है, सिल्वर है, कोई भी ले लीजिए। और यहाँ पर एक बैटरी ले लेते हैं जिसके थ्रू हम जो है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है अप्लाई करेंगे। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है। तो प्लस टर्मिनल है और ये कंडक्टिंग वायर है जिसके थ्रू इसको अटैच कर दिया गया है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। अब हमें पता है कि जो मेटल कंडक्टर होते हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चार्ज को कैरी करने का काम करते हैं, यानी कि करंट प्रोड्यूस करने का काम करते हैं जब वो मूवमेंट में आते हैं एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर, जब हम एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करते हैं, वीडी के साथ। तो जो वीडी की वैल्यू थी हमारे पास वो होती थी ई टाउ बाई एम। अगर हम इस कंडक्टर की लेंथ को मान लेते हैं एल, कि ये मान लीजिए ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ स्मॉल एल हम मान लेते हैं, तो जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी वैल्यू क्या होती थी हमारे पास, वी बाई एल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बाय जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर थी। यहाँ पर वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ई चार्ज ऑन द जो हमारे करंट कैरियर हैं या चार्ज कैरियर हैं, तो इनके ऊपर कितना चार्ज है वो ई है। जो कैपिटल ई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एम जो है मास है। तो ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर इस ई की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया जाता है तो वीडी की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाती है, तो वीडी की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाती है EV डिवाइड बाय ML और इसके साथ आ जाता है tau। यही आ जाएगी, हमने ये E की वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर दी है इस वैल्यू को यहाँ पर। अब जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है ये भी हमने पढ़ा था, I इक्वल टू ए एन ई वी डी। अब इस VD की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर जब आप पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, ए एन ई, और VD की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, ये क्या है हमारे पास EV ML और यहाँ पर ये tau, यही है। तो यहां पर जब आप इसको फर्दर से सॉल्व करेंगे, ई से ई को मल्टीप्लाई करेंगे ई स्क्वायर, और यहां पर जो है डिवाइड में एम एल आ जाता है, यहां पे टाउ ले लेते हैं, और यहां पर बाहर जो है ये वी पोटेंशियल डिफरेंस बाहर ले लेते हैं। ये हमने क्यों लिया है अभी हम इसको समझेंगे। यहां पर ये आई है, अब हमें पता है वी जो है आई आर के इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है, और V को आप IR के इक्वल लिख सकते हैं। अगर यहां से आप R की वैल्यू को निकालते हैं तो वो क्या होती है V by I, यानी कि R क्या है यहाँ, रेजिस्टेंस है। तो इसी तरह से यहां पर भी हमें यही चीज बनानी है। अब इसको V by I अगर हम करें V by I, तो ये उस तरफ जाकर उल्टा हो जाएगा इस तरह से, एम एल डिवाइड बाई ए एन ई स्केयर टाओ, यही हो जाएगा। हमने क्या किया, यही चीज बनाई है V by I, तो V ये है, I इस तरफ आएगा, ये उस तरफ चला जाएगा। तो ML by ये जो चीज आई है हमारी, तो ये क्या हम लिख सकते हैं कि ये हमारी R के बराबर है, यानी कि जो एक कांस्टेंट है और ये रेजिस्टेंस है गिवन कंडक्टर के लिए। तो ये आप समझ गए, यानी कि आप यहां से क्या लिख सकते हैं, V equal to R I लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन हम जो है ओम लॉ की भी यहां से प्रूव कर सकते हैं, ये ओम लॉ है। पहले तो ये सारी रिलेशन आपको याद होनी चाहिए, तो इस तरह से हम ओम लॉ को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस होता क्या है। अब देखिए, हमने जैसे कि यहाँ पर बात की कि जैसे जैसे ये ड्रिफ्ट होता है इलेक्ट्रॉन, अगर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से ये पॉजिटिव एंड की तरफ जाएगा, और इसको रास्ते में बहुत सारे कोलिजन मिलेंगे जो कंडक्टर के आयन है, एटम है, उनके साथ। तो इन कोलिजन्स के कारण ही, यही जो कोलिजन्स हैं यही तो एक तरह का रेजिस्टेंस है फ्लो ऑफ करंट को। तो ये जो चीज है, ये हमारा जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से है। जैसे मान लीजिए आप अलग अलग तरह के मेटल लेते हैं, कॉपर, सिल्वर या एल्युमिनियम, उसके अंदर जो एटम की अरेंजमेंट है वो किस तरह की है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टिंग वायर का, वो ड्यू टू कोलिजन होता है जो फ्री इलेक्ट्रॉन की कंडक्टर के आयन और एटम के साथ होती है जब वो ड्रिफ्ट करता है जो नेगेटिव एंड से कह लें पॉजिटिव एंड की तरफ। यह हम समझ गए हैं, यही कारण होता है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर का। अब बात कर लेते हैं जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द ऑब्स्ट्रक्शन पोज्ड बाय द कंडक्टर, यानी कि जो
ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है जो कंडक्टर ने जो करंट फ्लो को दी है, जब इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके अंदर से फ्लो हो रहा है, वही रेजिस्टेंस है, वही उसका एक तरह से अवरोध कर रहा है वो, कि वो उसको जाने नहीं दे रहा है, रेजिस्ट कर रहा है उसको. इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. या फिर आप सीधा कह सकते हैं जो R है वो दो चीजों का रेशियो है, V by I, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर अप्लाई किया गया है और डिवाइड बाय जो करंट जो है उसके अंदर से फ्लो कर रहा है. अब यहाँ पर जो R है, अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें रेजिस्टेंस की, तो वो होती है ओम. तो जो ओम है हमारा वो किसके बराबर हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो ये हो जाता है वोल्ट, और आई की यूनिट की बात करें वो होती है एम्पियर. तो अगर हम 1 ओम की बात करें तो यहाँ 1 वोल्ट और यहाँ 1 एम्पियर आ जाएगा सिंपल. यानी कि जो 1 ओम है ये वो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का थ्रू विच ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, जैसे यहाँ की दिखाया गया है कि जब करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो करता है, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं 1 वोल्ट का अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, तो वो हो जाएगा 1 ओम का रेजिस्टेंस आप उसको बोलेंगे. अगर इसके डायमेंशंस की बात करते हैं तो डायमेंशंस आप कैसे निकाल सकते हैं, जैसे ये V by I है तो ये हमारा जो वोल्ट है, ये जो हमारा हमने इसकी यूनिट वोल्ट लिखी है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये हमारा होता है किसके बराबर है, इसको आप जो है V को W by Q के बराबर लिख सकते हैं. W क्या है, एक तरह से इसको आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल लिख सकते हैं, और Q क्या है, चार्ज है, यानी कि ये जो वर्क डन है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, एम एल स्केयर. अगर हम वर्क डन की बात करते हैं तो एम एल स्केयर टी माइनस टू, ये तो इसकी डायमेंशन हो गई, और चार्ज की क्या होती है, ए इंटू टी, क्योंकि आई क्या होता है, क्यू बाय टी होता है, यही होता है. और क्यू को अगर आप यहां से निकालेंगे, आई इंटू टी हो जाएगा, यानी कि ये एम्पियर और इंटू जो टी है, तो ये चीज हमारी आ गई ए इंटू टी, हमने यहां पर लिख दिया. अब यहाँ पर अगर हम इसको फर्दर यहाँ टी को ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाता है, एम एल स्केयर. तो एम एल स्केयर ये है, ये टी की ये नीचे वन है, ऊपर जाके टी की माइनस टू, यानी कि माइनस थ्री हो जाएगी, टी की माइनस थ्री और ए की माइनस वन, क्योंकि ए की पावर जो है नीचे वन है. अब ये तो हमने लिखा सिर्फ वी के लिए, इस के लिए यानी कि आई के लिए अब हम क्या लिखेंगे. I के लिए अब हमें पता है कि वो एम्पियर ही होती है, I के लिए तो एम्पियर है, तो नीचे A है तो ऊपर जाएगी वो क्या हो जाएगी, दोबारा से A की माइनस टू हो जाएगी. यानी कि टोटल की बात करें V by I के लिए, तो I के लिए तो A हो जाएगी, तो A यहाँ पर लेंगे तो A स्क्वायर ऊपर जाएगी A की माइनस टू. तो यानी कि ये जो रिलेशन है, ये जो डायमेंशन फॉर्मूला है, एम वन एल स्क्वायर टी माइनस थ्री A की माइनस टू, ये डायमेंशन बनते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के. अब इसी तरह से हम इंटरनेशनल ओम की डेफिनेशन को भी समझ सकते हैं, जो कि इंटरनेशनली यूज की जाती है. इंटरनेशनल ओम क्या होता है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ, अगर हम क्या करें, 106.3 सेंटीमीटर लॉन्ग एक मरकरी का कॉलम ले लें जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 mm स्क्वायर हो और जिसका मास इतना हो 14.4521 ग्राम और 0 डिग्री सेल्सियस पे लें, तो वो रेजिस्टेंस जो है इंटरनेशनल ओम कहलाता है. अगर ये पूरी स्पेसिफिकेशन हम पूरे एब्सोल्यूट जो टेम्परेचर है इस तरह का ये हम लें, तो जो है इंटरनेशनल ओम की वैल्यू जो है आप इसके थ्रू जो है मेजर करते हैं, इसके थ्रू जो है आप लेते हैं. तो ये रेजिस्टेंस है हमारा, ये आप समझ गए होंगे. उसके बाद अगर हम बात करें कि जो रेजिस्टिविटी है, या पहले बात कर लेते हैं जो फैक्टर्स हैं, इसी में से रेजिस्टिविटी निकल आएगी कि जो फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर को. कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर के, सबसे पहले लेंथ ऑफ ए कंडक्टर. अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. मान लीजिए एक कंडक्टर है छोटा सा. अब देखिए जितना छोटा कंडक्टर होगा उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उतने कम होंगे, अगर हम कंपेयर करें उसको लॉन्ग कंडक्टर के साथ, क्योंकि जितनी ज्यादा लेंथ होंगी वहां पर ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही जो है कंडक्टर के एटम आयन भी होंगे, तो वहां पर उतना ज्यादा कोलिजन होगा. यानी कि एक तरह से देखें, मान लीजिए अगर ये L लेंथ है और ये जो है आप 2L ले लें, यानी कि इसकी दुगनी ले लें, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस इसको मिलेगा, मान लीजिए R मिल रहा था, यहाँ पर दुगना हो जाएगा,
क्योंकि लेंथ ज्यादा होगी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ एटम जो है आयन जो है कंडक्टर के खुद के वो भी तो ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे जब वो ड्रिफ्ट करेगा, मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से ड्रिफ्ट करके चलेगा, तो उसको बहुत सारे कोलिजन का सामना करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लेंथ, अगर सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम ले लेते हैं तो। और यहाँ पर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और यहाँ से जो करंट है वो आई फ्लो कर रहा है, इस तरह से ले लेते हैं, और अगर आप इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं तो यहाँ से भी हमारा आई ही आना चाहिए यहाँ पर, सेम जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। यानी कि अगर हम इसके लिए एल के लिए बात करें, एल लेंथ के लिए बात करें कि आप इस तरह के दो कंडक्टर को जोड़ दें इस तरह के, तो यहां पर क्या हो गया, अब एल लेंथ के लिए आई बाय टू करंट ही फ्लो करेगा, फिर आई बाय टू करेगा, तभी तो हमारा कंप्लीट आई निकलेगा सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। यानी कि यहां पर करंट की वैल्यू आई बाय टू हो गई, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो हमारा हो जाता है वी बाय आई, और यहां पर आई की वैल्यू क्या हो गई है इस कॉम्बिनेशन के लिए आई बाय टू हो गई है। और जब ये टू जो है ऊपर की तरफ जाएगा तो ये हमारे पास ये क्या आ जाएगा, टू वी बाय आई हो जाएगा, और V by I क्या होता है हमारे पास R, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं 2R, यानी कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है कॉम्बिनेशन के लिए कह लीजिए दुगनी हो जाती है, 2R हो जाती है। तो ये हम समझे कि मान लीजिए इस तरह की दो स्लैब हैं, जब हम उनको कंबाइन कर देते हैं सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है हमारी कॉम्बिनेशन के लिए जैसे कि हमने बात की वो दुगनी हो जाती है अकॉर्डिंग टू जो लेंथ है। अब जैसे कि ये एक लेंथ का हमारे पास कंडक्टर था सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए, और ये भी L था, जब हम इनको जोड़ देंगे तो 2R रेजिस्टेंस जो है दुगनी उसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हम समझ गए हैं। इसी तरह से अगर हम एरिया ले लें, ये तो हमने बात की कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर की, तो एरिया ऑफ द कंडक्टर अगर हम लेते हैं एरिया के अंदर, जैसे मान लीजिए कंप्लीट एरिया है यहाँ से, और सेम पोटेंशियल डिफरेंस हम ले लेते हैं, तो यहाँ से हम मान लीजिए करंट जो है इसमें फ्लो हो रहा है और आई उसकी वैल्यू है अगर हम उसको मेजर कर रहे हैं इस एंड पर। अब इसी तरह से अगर हम इसको दो छोटे छोटे एरिया के अंदर डिवाइड कर दें, जैसे कि यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया, तो एक का जो एरिया है a बाय टू है और इसका भी a बाय टू ले लिया, पहले इसका एरिया कंप्लीट का a था, अब हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, अब इसके अंदर क्या होगा, सेम पोटेंशियल जो डिफरेंस हम अप्लाई कर रहे हैं जो हमने दोनों हाफ स्लैब के ऊपर वही सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है जो एक स्लैब के ऊपर था, तो ईच ऑफ में से देखें, अगर हर एक में से देखें तो I by 2 जो है वो करंट फ्लो करना चाहिए I by 2, तभी हमें जो करंट है I मिलेगा दूसरे एंड पर। तो इसका मतलब जो है जो हमारा करंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, R डैश लिख लेते हैं इसको, V by I by 2 हो गई ईच स्लैब के लिए, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2V by I, यानी कि वही 2R हो गया। यानी कि अगर आप क्या करते हैं, ईच स्लैब की बात कर रहे हैं कि हाफ अगर हमने एरिया कर दिया, अगर हमने हाफ एरिया कर दिया तो जो रेजिस्टेंस है वो दुगना हो जाता है। चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू समझ सकते हैं। अब मान लीजिए कोई एक बड़ा रास्ता है इस तरह से, और वहां से जो है इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं इस तरह से जा रहे हैं, मान लीजिए डायरेक्शन है, और एक छोटा रास्ता है इस तरह से, वहां से भी इतने ही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो कोलिजन कहाँ पर ज्यादा होगा, जो छोटा रास्ता है जो एरिया कम है, क्योंकि वहां पर टकराव की स्थिति ज्यादा बनती है, लेकिन अगर खुला एरिया है पूरा तो वहां पर टकराव की स्थिति बहुत ही कम बनती है, तो इसीलिए ज्यादा एरिया होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, कम एरिया होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ये चीज हमें यहाँ पे समझनी है, यानी कि अगर हम एरिया को आधा कर देंगे तो रेजिस्टेंस दुगना हो जाएगा पहले के कंपेरिजन में, तो यहाँ पर ये चीज हम समझ सकते हैं। और यहाँ पर हमने अब दो चीजें समझी कि जो रेजिस्टेंस है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, कि लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, कि अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, लेकिन एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो यहाँ पर एक टर्म जो है निकल कर आती है हमारी रेजिस्टिविटी, यानी कि अगर आप जो है इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो आर जो है आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, रो एल बाय ए लिख सकते हैं, जो ये रो है ये हमारी है रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी आप इसको बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आप इसको बोल सकते हैं। जब L जो 1 होगी लेंथ यानी कि जो हमारी 1 होगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 होगा, तो R जो है आप रो के बराबर लिख सकते हैं। तो इस तरह से रेजिस्टिविटी जो है हमारी ये रो होती है। अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो इन सभी चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी के लिए ये दोनों टर्म हमें चाहिए, लेंथ और जो ये एरिया है,
और इनसे हम निकाल सकते हैं कि ये जो है हमारा रेजिस्टिविटी आ जाएगी। जो डेफिनेशन आती है वो क्या आती है, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय ए वायर ऑफ द गिवन मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर। जैसे कि अभी हमने बात की जो आर है हमारा वो रो एल बाय ए के बराबर है, और एल को आप वन ले लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को वन ले लेते हैं, तो रेजिस्टेंस जो है हमारा रेजिस्टिविटी के बराबर हो जाती है। यानी कि ये वो रेजिस्टेंस है जो ऑफर किया जाता है बाय ए यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय ए वायर ऑफ द गिवन मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टिविटी आप उसको बोलते हैं। और जो रेजिस्टिविटी है इसको आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिट क्यूब ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए गिवन कंडक्टर। यानी कि जो यूनिट क्यूब है, यूनिट का मतलब क्या है कि लेंथ भी वन है, उसका एरिया भी क्रॉस सेक्शन भी वन होगा, तो इस तरह से भी आप कह सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर बात की कि इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए गिवन कंडक्टर, ये भी आप उसको कह सकते हैं। अब जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है इसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं, और इसका अगर हम यूनिट देखें रेजिस्टिविटी की तो वो क्या होगी, चलिए वो निकाल लेते हैं। अब यहाँ से अगर हम रेजिस्टिविटी को निकालते हैं तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, ये आ जाती है आर ए बाई एल आ जाती है। यहाँ से रेजिस्टिविटी निकालेंगे, ए इससे मल्टीप्लाई होगा, एल इसके नीचे आ जाएगा, तो ये तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ जाता है। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें, अब जो आर है इसकी अगर यूनिट की बात करें वो ओहम है, और उसके बाद एरिया की बात करें वो मीटर स्क्वायर है, और लेंथ की बात करें तो वो मीटर है, यही है। यानी कि यहाँ पर ये क्या आ जाती है, ओहम मीटर जो है इसकी जो एसआई यूनिट है रेजिस्टिविटी की वो आ जाती है। अगर ओहम का सिंबल आप यूज करते हैं तो इस तरह का होता है, तो ओहम मीटर इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अब डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी अगर आप निकालते हैं तो डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी भी जो होती है हमारी एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू ये होती है। तो ये आप कैसे निकाल सकते हैं, जो रेजिस्टेंस की डायमेंशन हमने निकाली थी और फिर यहाँ एरिया और ये जो एल एन की डायमेंशन पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। रेजिस्टेंस की डायमेंशन अभी हमने निकाली ही थी, तो यहाँ एरिया है ये मीटर स्क्वायर हो जाएगी मीटर, यानी कि यहाँ एल बचेगी, तो यहाँ इसलिए एल क्यूब आ जाएगी। तो इस तरह से ये उसकी डायमेंशन भी हो जाती है। अब जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है उसके ऊपर, तो वो कौन कौन से करते हैं। अब देखिए आर जो है हमारा वो हमारा V by I के बराबर होता है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया V by I जो R है यानी कि रेजिस्टेंस है। जो V है, अब ये भी ये हम रिलेशन पहले निकाली थी हमने ML by AN E square tau, जब हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली थी ओम ला को जब हमने प्रूव किया था, तो R की वैल्यू यही थी हमारी, यानी कि ML by AN E square tau ये थी। अब यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे लिख दें, यानी कि ये जो L by A है, ये जो L by A है इसको अगर हम अलग कर दें और M N E square tau को अलग कर दें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये जो पूरा है M N E square tau ये हमारा क्या बन जाएगा, rho resistivity, क्योंकि rho into L by A यही तो है हमारा जो resistance है। तो यानी कि ये जो है M N E square tau ये हमारा जो हमारा rho है resistivity जो है वो हमारा बन जाएगा, तो रो आ गया और एल बाय ए हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो रो है, अब यानी कि जो इसकी वैल्यू आई है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या, यानी कि हमने लिखी है एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ, यही तो वैल्यू लिखी है हमने इसकी, यानी कि रो को यहाँ पर यही पुट किया है इस वैल्यू के बराबर। अब यहां से हमें क्या पता चलता है कि जो ये हमारी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है ये किसके प्रोपोर्शनल है और किसके ये हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये चीज चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर R जो है रो L बाय A के बराबर है, जैसे कि हमने बात किया रो हो जाएगी M डिवाइड बाय N E स्क्वायर टाउ के बराबर। अब जो ये हमारी रो है इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टिविटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है N के। अब ये N क्या है, N ये है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, यानी कि जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पर जो N है ये भी अगर हम देखें तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये हमारा नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें कि जो भी आप कंडक्टर ले रहे हैं तो वो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर एक तरह से डिपेंड करता है।
तो इसी तरह से जो रो है यानी कि जो रेजिस्टिविटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ के, रिलैक्सेशन टाइम के। अब जो टाउ होता है ये हमारे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन का कनेक्टर के एटम या आयन के साथ। तो जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना कम रिलैक्सेशन ऑफ टाइम होगा, और उतना जितना कम ये होगा उतनी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी क्योंकि कोलिजन जो है ज्यादा है। एक तरह से अगर आप एक कंडक्टर की बात करें, कोई भी आप कंडक्टर ले लें, अगर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी यानी कि ये जो रो है ये लो है, अगर कम है कंडक्टर के लिए, और अगर हम उसकी इसकी वैल्यू को कम लेते हैं तो यानी कि जितनी ये वैल्यू कम होगी उतना अच्छा वो कंडक्टर होता चला जाएगा। लेकिन जितनी ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी, जैसे इंसुलेटर है, तो वो जो है हमारा उतना ही जो है, जितनी इसकी वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा वो कंडक्ट नहीं कर पाएगा और इंसुलेशन या करना स्टार्ट कर देगा, इंसुलेटर की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये चीज हमें ध्यान देनी है यहाँ पर कि अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है वो ज्यादा है तो हमारा रेजिस्टेंस एक तरह से बहुत ज्यादा होगा, रेजिस्ट कर रहा है वो जो कंडक्शन है उसको, तो ज्यादा है तो वो इंसुलेटर की तरह जो है वो काम करना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर देगा। अगर ये कम है तो अच्छा कंडक्टर, जितनी कम होगी उतना अच्छा कंडक्टर वो बन जाएगा। तो इस तरह से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को आप समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।